हाय नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 12th का जो राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस का है। ओके, तो हम आज इनके एक नंबर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी हमारे साथ तैयार हो जाइए, ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो 12th का जो क्वेश्चन यानी कि आएगा एग्ज़ाम में वो कुछ इस प्रकार से होगा। ऊपर में देखिए इस तरह से, और कुछ इस 100 मार्क्स का होगा, पास मार्क्स 33 होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यदि आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट लेना है तो देखिए जो इसका क्वेश्चन जो है उनका अगर आंसर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट करते जाएं, ठीक है। तो इससे आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, ठीक है। तो नाटो में, ठीक है, अमेरिकी नेतृत्व का, अमेरिका जब नेतृत्व कर रहा था नाटो का, उस समय कौन सा ऐसा देश था जिसने विरोध किया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है देखिए, पहला ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा इटली, चौथा पश्चिमी जर्मनी, ठीक है, पश्चिमी जर्मनी। इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो फ्रांस है। ओके, कौन सा इसका जो आंसर है वो फ्रांस है। ओके, देखिए आपको ठीक ही दिख रहा, नहीं दिख रहा था आपको थोड़ा साइज में कर दे रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। ओके, तो जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो रूस में हुई थी, कहाँ हुई थी, रूस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति, सोवियत संघ के बारे में आप तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो जितने चीज़ जानते हैं नीचे कमेंट कीजिए। ओके, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति जो सबसे अभी लास्ट में आया वो, पहला देखिए ब्रेजनेव, दूसरा है मिखाइल गोरबाचेव, एंड थर्ड है बोरिस यत्सिन, और चौथा है खुश्रेव। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिखाइल गोरबाचेव। ओके, मिखाइल गोरबाचेव। अगला है खुले द्वार की नीति, ठीक है, खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी। तो खुले द्वार होती क्या चीज़ है पहले इसके बारे में जान लें, उसके बाद इसकी किसने अपनाया था जानेंगे, ठीक है। खुले द्वार की नीति होती है कि कोई भी देश यदि अपने देश के अंदर आयात निर्यात आने की कोई भी सामान वगैरह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना चाहता है, ठीक है, कोई भी देश उसमें जाकर व्यापार कर सकता है, तो इसे हम कह सकते हैं खुली द्वार की नीति। ओके, तो ये खुले द्वार की नीति जो अपनाया था वो किसने अपनाया था, यूरोपीय संघ दिया पहला, दूसरा है अमेरिका, थर्ड जापान, और चौथा चीन। को जो अपनाया था खुले द्वार की नीति वो चीन ने अपनाया था। ओके, अदर किया चीन, ठीक है, भारत का जो सामने चीन, ठीक है। कौन आसियान का सदस्य नहीं, आसियान, आसियान के बारे में आप जानते होंगे। ओके, तो आसियान के सदस्यों के नाम आपको जानना चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से आसियान का जो सदस्य है और कौन सदस्य नहीं है, ठीक है, यानी कि अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य वगैरह मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। ओके, वहाँ पर लिंक रहेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा आप, आपके पास PDF आ जाएगा। ओके, तो इसका देखिए जो सिंगापुर है, ठीक है, वो आसियान का सदस्य था, ठीक है। फिलीपींस वो भी आसियान का सदस्य है, इंडोनेशिया वो भी आसियान का सदस्य है, ठीक है। तो इसमें से कौन नहीं है, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेली G8 का सदस्य है, इसका G8 क्या चीज़ है, जी होता है, जी का मतलब है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप आठ का सदस्य है। तो एशिया का वह कौन सा देश है, ठीक है, एशिया के अंदर वह जो अकेली ही है, ठीक है, यानी कि एशिया से और कोई देश उसमें शामिल नहीं है, किसमें, G8 में, ठीक है, G8 में। तो पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा चीन, थर्ड है जापान, और चौथा है भारत, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका जाएगा, देखिए इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, तो यदि आप जानते होंगे G8 तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट करें। ओके,
जैसे कि देखिए, तो G8 का जो सदस्य नहीं है वो जापान है, ठीक है। कौन सा? जापान। जापान जो है वो G8 का अकेला ही सदस्य है, ठीक है। भारत में ना आता है तो G8 का अकेला सदस्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पहला है 16 अक्टूबर 1939, 30 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, चौथा है और लास्ट है 24 अक्टूबर 1949, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, ओके। देखिए नेक्स्ट है, भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी, ठीक है। भारत के द्वारा शांति सेना, ठीक है। शांति सेना क्या चीज़ था? यानी कि जो लड़ाई हो रहा था, ठीक है, श्रीलंका और एक और देश के बीच में हो रहा था लड़ाई, बाद में आया अभी, ठीक है। तो दोनों के बीच जब लड़ाई हो रहा था तो श्रीलंका जो था वो हारने के कगार पर था, ठीक है। तो भारत से उसने मदद मांगा, ठीक है। तो वही मदद भारत ने किया था अपने शांति सेना के द्वारा, ठीक है। तो जो शांति सेना भेजा गया था, कब भेजा गया था? 1990 पहला ऑप्शन है, दूसरा 1985, तीसरा 1989, ठीक है, चौथा 1987, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1987, 1987, ओके, 1987। नेक्स्ट है, शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो ये जो थे प्रधानमंत्री वो किस देश के थे? तो पहला अफगानिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान और चौथा भारत, ठीक है। तो भारत का तो प्रधानमंत्री ये थे ही नहीं, ठीक है। देखिए किसका था, ये जो थे वो बांग्लादेश के, ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और ये प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और संस्थापक जो थे, यानी कि बांग्लादेश को जो बनाया गया था वो इसी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, किससे? शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। नेक्स्ट है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है। सार्क क्या चीज़ है, यदि आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, ओके। तो सार्क का जो हुआ था प्रथम शिखर सम्मेलन वो ढाका में हुआ था। ढाका किसकी राजधानी? बांग्लादेश की, ओके। बांग्लादेश की राजधानी सार्क है, तो वहीं पे हुआ था इसका सार्क ढाका में, ठीक है। नेक्स्ट है, MNST इंटरनेशनल का संबंध किससे? MNST इंटरनेशनल, ठीक है। तो MNST इसका जो पहला है वो है आर्थिक विकास, दूसरा आतंकवाद, तीसरा मानवाधिकार और चौथा लोगों का स्वास्थ्य, ठीक है, चौथा लोगों का स्वास्थ्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मानवाधिकार, ठीक है, मानवाधिकार के बारे में था, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी पता है? इस जो संघ जो है यानी कि MNST इंटरनेशनल, इसकी शुरुआत की गई थी ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वह देखिए, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य, ठीक है, अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य, ठीक है। तो अस्थायी सदस्यों के नाम बता देते पहले, इसके बाद आप अस्थायी सदस्यों के नाम सुनिए, ठीक है। तो इसका जो पहला, इसमें से 5 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। 5 कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, ये जो 5 है वो अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। यानी कि जब से बनाया गया है संघ तब से इसमें से हैं, ठीक है। और जो 10 और हैं, ठीक है, इनमें से कितने 10 और हैं जो अस्थायी सदस्य हैं, तो उनके नाम सुनिए, बेल्जियम, गिनी, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरू, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत और लास्ट है कोड डी आइवरी डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है, ये भी एक देश का नाम ही है। तो जो भारत भी आता है उसमें से वो आता है अस्थायी सदस्य, ठीक है। यानी कि ये 5 के लिए होता है, फिर यदि उसे स्वीकृति मिली तो बन सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया, यानी कि भारत का संविधान जो था उसको बनाकर कब पेश किया गया, लागू कब किया गया, ठीक है। तो उसका आंसर जो है वो 1949 यानी कि 1949 में किया गया था, ठीक है, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, देखिए शायद छोटा पड़ जा रहा है, देखिए इसमें से, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का गठन, ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश को जब बनाया गया था तो किस भाषा के आधार पर बनाया गया था? क्योंकि भारत में अधिक से अधिक जो राज्य देखे जाएंगे, ठीक है, यदि देखें तो ये भाषा के आधार पर बनाए गए हैं, ठीक है।
तो इसका जो था वो तेल देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है तेलुगु, दूसरा मलयालम, तीसरा कन्नड़, चौथा तमिल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तेलुगु। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे तेलुगु भाषा चलता है अभी भी। ठीक है, वहाँ का जो राष्ट्रीय भाषा है झारखंड का जो है वो हिंदी है ना, तो उसी तरह से वहाँ भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, 1951 में जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन है? ये पहला ऑप्शन है बर्राज मधोक, दूसरा दीनदयाल उपाध्याय, तीसरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है राइट आंसर है इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इन्होंने ही इसको बनाया था। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ की प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, यानी कि गरीबी हटाओ आंदोलन जो चलाया गया था या फिर जो नारा लगाया गया था वो कब, ठीक है, यानी कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था। तो आप जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी थी जो उसने ही इस नारा को चलाया था। ठीक है, गरीबी हटाओ, तो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी उस समय ही इन्होंने ये बनाया था। ठीक है, तो देखिए पहली योजना है, ठीक है, तीसरी योजना है, पांचवी योजना है और छठी योजना। ठीक है, पहली क्या 1951 से 1956, 1961 से 1966, 1964 से 1969, ठीक है, और 1980 से 1985। ठीक है, तो इसके जो राइट आंसर है वो है पांचवी योजना। ठीक है, कौन सा? पांचवी योजना 1974 से 1989। ठीक है, यानी कि 1979। ठीक है, 1979। ठीक, 1979। ठीक है, नेक्स्ट जो है, देश के विभाजन के समय नौ आसवाली नामक स्थान चर्चा में क्यों था? क्या है? देश का जब विभाजन हो रहा था, ठीक है, उस समय नौ आसवाली, क्या नौ आसवाली नामक स्थान, ठीक है, एक जगह का नाम है नौ आसवाली, नौ आँख वाली, ठीक है, नौ आँखा वाली स्थान का नाम है। ठीक है, तो यह चर्चा में क्यों आया था? ठीक है, पूछा गया, देखिए पहला जो ऑप्शन दिया है इसके लिए वो है भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के कारण, दूसरा है सांप्रदायिक दंगों के कारण, ठीक है, तीसरा महामारी के कारण और चौथा है भारत पाकिस्तान के बीच जल विवाद के कारण। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जल विवाद कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो नीचे कमेंट करें। ओके, तो देखिए नौ आँख वाली नामक स्थान सबसे पहले जान लीजिए कहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो है नौ आँख वाली वो है पश्चिम बंगाल के में। ठीक है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और ये क्यों हुआ था? तो सांप्रदायिक दंगों के लिए। ठीक है, सांप्रदायिक दंगों मतलब समझते ही होंगे आप। ठीक है, और इसमें से भिड़ंत हुई थी दो आपसी गुटों के, यानी कि पहला था जनता वहाँ के, ठीक है, जो वहाँ के जनता थे स्थानीय, और दूसरे वहाँ के सैनिक, ठीक है, अंग्रेज सैनिकों के बीच। ठीक है, दोनों के बीच झड़प हुई थी। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, वैसे अभी पंचवर्षीय योजना बनाया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि उनके शासनकाल में। ठीक है, तो उसी तरह पूछा गया दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो पहले चली थी 1951 से 1956, ठीक है, दूसरी 1956 से, फिर आगे ले जाइए 5 साल 1961। ओके, तो बोल रहा कि इसके बीच में जो योजना का प्रारूप बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, तो पहला जेसी कुमार गप्पा, दूसरा पीसी महानलोविस, तीसरा अमर्त्य सेन, चौथा केएन राज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? पीसी महालोविस। ठीक है, पीसी महालोविस। ओके, नेक्स्ट है, देसी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो इसमें से जानने का जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है प्रीवी पर्स। ठीक है, प्रीवी पर्स, तो प्रीवी पर्स क्या था? तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, उसके बाद जब सारे राज्यों का उसमें से शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, ठीक है, तो जो राजवाड़े थे, ठीक है, तो उनकी तो सैन्य शक्ति वगैरह सब छीन ली गई थी, तो उसके बाद सैन्य शक्ति छीन लेने के बाद
जिस तरह से अभी ऐसे वृद्धा पेंशन मिल रहा है उसी तरह से उन लोगों को भी पेंशन दिया जाता था, ठीक है, पेंशन दिया जाता था। तो किसके द्वारा जाता था? सरकार के द्वारा, ठीक है। तो वही प्रीपर्स उसी को बोला जाता था जो पेंशन के द्वारा, पेंशन की तरह राजवाड़ों को दिया जाता था, ठीक है, देसी रियासत जो अपने अपने रियासत में रहते थे तो उसी को प्रीपर्स बोला जाता था। तो बोल रहा कि जो शासकों को दिया जाता था ना उसको कब समाप्त किया गया, ठीक है। देखिए इसका जो ऑप्शंस है, देखिए पहला है 1969, दूसरा है 1971, तीसरा है 1972 और चौथा 1976, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो समाप्त किया गया था 1971 में, ठीक, 1972 में, कब, 1972 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है, उस समय तो इंदिरा गांधी का ही तो राज था, ठीक है। नेक्स्ट है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, देखिए यहाँ पे थोड़ा जो नहीं समझ में आएगा वो पदेन अध्यक्ष का, पदेन अध्यक्ष मतलब कि बोल रहा है कि नीति आयोग, नीति आयोग मतलब जो नीति को बनाया था, ठीक है, नीति मतलब जैसे कि हम 5 वर्षों में ऐसे कोई भी प्रधानमंत्री जब बनता है तो वो अपने लिए पहले नीति यानी कि क्या क्या आगे 5 वर्षों में वो करने वाले हैं उसको बनाया था, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो नीति बनाता है अपने लिए, ठीक है, कि हम 5 वर्षों में क्या क्या करेंगे, ठीक है, लक्ष्य निर्धारित करता है वो कौन करता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो उसका जो अध्यक्ष होता है पहला देखिए कौन सा होता है, सो यहाँ पे देखिए पहला प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा चौथा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो इसको जो बनाता है वो प्रधानमंत्री बनाता है, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री तय करता है कि हम 5 वर्षों में क्या क्या देश के लिए कर सकते हैं, ठीक है, और उतने लक्ष्य को लेकर आगे चलता है। नेक्स्ट है आपका देखिए 1977 में जनता पार्टी के शासनकाल में कौन प्रधानमंत्री बना था, ठीक है, यानी जब जनता पार्टी शासनकाल में आई थी, ठीक है, जब शासन कर रही थी जनता पार्टी तो उस समय यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, ठीक है। तो देखिए पहला चंद्रशेखर, दूसरा मुरारजी देसाई, तीसरा विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौथा इंद्रदेव गुजराल, ठीक है। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा मुरारजी देसाई, ठीक है, मुरारजी देसाई जो थे वो इसमें से बने थे, ठीक है, और जब लगभग एक साल के करीब एक साल में उनका डेथ हो गया था किसी कारणवश से, ठीक है, तो फिर से नया उसमें से प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया था, क्या, ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा पार्टी है जिसको महिला ने गठन किया, महिला ने बनाया, ठीक है। देखिए इसमें से क्वेश्चन है पहला, यानी पहला ऑप्शन है ए आई डी एम के, दूसरा है तृणमूल कांग्रेस, तीसरा बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है, चौथा तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है। तो यह है तेलुगु जो है वो तमिलनाडु की तरफ का, ठीक है, देखिए वहाँ से बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। तो तृणमूल कांग्रेस को किसने बनाया था? ममता बनर्जी, ठीक है, जो कि अभी अपने सत्ता में स्थापित हैं और अभी अध्यक्ष भी हैं अपने, ठीक है, कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के, ठीक है, पश्चिम बंगाल में उसने बनाया था, वहीं की स्थानीय, ठीक है, स्थानीय पार्टी ये है तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। इसको शॉर्ट में TMC भी कहा था, TMC अभी न्यूज़ में ये बहुत ही फेमस यानी कि बहुत ही बार रिपीट होते रहता है, ठीक है, TMC। किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है, छतरी संगठन, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऐसा है राजनीतिक दल, ठीक है, तो इसमें देखिए पहला है कांग्रेस पार्टी, दूसरा है भारतीय साम्यवादी पार्टी, तीसरा बहुजन समाजवादी पार्टी और चौथा भारतीय जनता पार्टी BJP, ठीक है। तो इसमें से जो आएगा आंसर वो आएगा कांग्रेस पार्टी, कौन सा, कांग्रेस पार्टी। तो क्यों कहा जाता था उसको छतरी संगठन, ठीक है, तो छतरी संगठन तब कहा जाता था जब कांग्रेस पार्टी अपने मूल जो थे पार्टी उससे अलग हो गई थी, ठीक है, यानी कि जब कांग्रेस पार्टी ओ और ये में बट गया था, ठीक है, कांग्रेस और कांग्रेस ये में, ठीक है, उस समय इसका नाम बदल कर यानी कि उसका एक छोटा सा नाम छतरी पार्टी में आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1969 में कांग्रेस का विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है, यानी जब कांग्रेस का विभाजन हो रहा था कब हो रहा था, 1969 में, ठीक है, 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो रहा था दो ठो, ठीक है, एक ठो इधर कांग्रेस हो कौन सा, एक तरफ कांग्रेस ओ और एक तरफ कांग्रेस, ठीक है, दो का हो रहा था, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है,
तो बोल रहा है कि उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए पहला है के कामराज, दूसरा निजलिंगप्पा, तीसरा इंदिरा गांधी और चौथा गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो उस समय जो उसके अध्यक्ष थे वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का जब इंदिरा गांधी को जब कांग्रेस से निकाल दिया गया था तभी इंदिरा गांधी ने अपना एक अलग पार्टी बना लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट है देखिए किस संविधान संशोधन में लघु संविधान संशोधन की संज्ञा दी गई। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन है जिसको लघु संविधान, ठीक है, यानी छोटा सा संविधान का संज्ञा दिया गया, छोटा संविधान बोला गया। ठीक है, तो देखिए पहला है 44वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 41वां और 42वां। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ठीक है, इसका राइट आंसर 42वां। ठीक है, 42 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें से जो बनाया गया था यानी कि बहुत सारे बदलाव किए गए थे, सरकार के हाथ में बहुत सारी उसकी जो होती है, ठीक है, शक्तियाँ दी गई थी। ठीक है, बहुत अधिक जो कि पहले नहीं थी, ठीक है, उसमें से ऐड की गई थी। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, तो देखिए पहला इंदिरा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस और चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो जय जवान जय किसान का नारा जो जिसने दिया था वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट है 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा, यानी कि 1952 से 1967 के बीच भारत में किस पार्टी का राज रहा। ठीक है, कौन सा पार्टी राज, किस पार्टी ने राज किया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है देखिए वो है कांग्रेस, सेकंड भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, और तीसरा है जनता पार्टी, ठीक है, चौथा जनता दल। ठीक है, तो देखिए जो अधिकतर भाग लिया गया यानी आज़ादी के बाद अधिक से अधिक जो यानी कि बनाया गया था, ठीक है, सरकार जो बनी थी वो कांग्रेस की बनी थी। ठीक है, तो उस समय भी कांग्रेस का ही वर्चस्व था। ठीक है, कब से कब तक, 1952 से 1967 तक। ठीक है, 1952 से 1967 तक। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखिए, जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वे किसकी सदस्य हैं, ठीक, सदस्य थी। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब इंदिरा गांधी, ठीक है, प्रधानमंत्री बनी, यानी प्रधानमंत्री तो वे चुनाव लड़कर तो बनी थी नहीं, ठीक है, किसी के यानी कि सपोर्ट से बनी थी, किसी के सपोर्ट से बनी थी, के कामराज के सपोर्ट से। ठीक है, तो जब इंदिरा गांधी के पिताजी का देहांत हो गया, ठीक है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया, उसके बाद जब, तो उस समय जो प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी जो थी वो राज्यसभा में काम करती थी, ठीक है, राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है, तो वही इसका आंसर है। तो जब उसके पिताजी का निधन हो गया तो के कामराज के द्वारा इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, ठीक है, यानी कि इस पद को दे दिया गया के कामराज के द्वारा। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंदिरा गांधी को जो बनाया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री, वो किसके द्वारा बनाया गया था, किसके अगुवाई में बनाया गया था। तो आंसर आ जाएगा इसका के कामराज। ठीक है, नेक्स्ट है आपातकाल की दमनात्मक कार्यवाहियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग गठित किया गया था। ठीक है, तो आपातकाल कब किया गया था पता है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ठीक है, इंदिरा गांधी जब शासन कर रही थी उस समय आपातकाल का घोषणा कर दिया था, जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है ना, तो उस तरह से उस समय भी आपातकाल का घोषणा कर दिया था। ठीक है, तो जब आपातकाल ख़त्म हुआ, ठीक है, लगभग कुछ वर्षों में जब आपातकाल ख़त्म हो गया तो एक आयोग बनाया गया, उसके द्वारा जांच ये किया जा रहा था कि जो जो सरकार है, ठीक है, वो कहीं दमनात्मक आने की किसी पर, ठीक है, अत्याचार वगैरह तो नहीं किया गया, ठीक है, उसके द्वारा, यानी कि जो उसके द्वारा फैसले लिए गए हैं या फिर उसने कोई यानी कि पैसे वगैरह की चोरी वगैरह नहीं की है। ठीक है, तो इसी के लिए बनाया गया था एक ठो आयोग। तो उस आयोग का नाम क्या था, देखिए पहला है लिबरान आयोग, दूसरा शाह आयोग, तीसरा श्री कृष्ण आयोग, चौथा मानवाधिकार आयोग। ठीक है, मानव अधिकार आयोग। इसका जो राइट आंसर है वो शाह आयोग है। ठीक है, शाह आयोग बनाया गया था
उसका नाम अभी नहीं याद आ रहा है, ठीक है, शाह के द्वारा था, तो उसी के नाम के ऊपर रख दिया गया था शाह आयोग, ठीक है। नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? आम आदमी पार्टी जिसको आम आदमी पार्टी, ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ, इसको बनाया कब गया था, ठीक है। तो इसका जो बनाया गया था वो 2012 में बनाया था, कब? 2012 में बनाया गया था, ठीक है। अभी आम आदमी का जो अध्यक्ष है, या बोल सकते हैं अभी, ठीक है, उसका एक अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो अभी बोल सकते हैं हम, उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम भी याद नहीं है, केजरीवाल, ठीक है, जो केजरीवाल हैं वो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका जो है, ठीक है, ये सब फिलिंग ब्लैंक्स, ठीक है, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसको भरना है। तो पूछा गया कि रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, यानी कि रूस का जो था वो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, इसमें से दो ठो ऑप्शन दे दिया गया इसमें भी, ठीक है। पहला बोला है गोरबाचेव, दूसरा है बोरिस येल्सिन, ठीक है। तो इसका जो है रूसी संघ का प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो बोरिस येल्सिन थे, ठीक है, बोरिस येल्सिन। नेक्स्ट है, विश्व राजनीतिक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्चस्व के विश्व राजनीतिक का स्वरूप कैसा हो गया था, कैसा हो गया था, ठीक है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे ब्लैंक दिया गया, ठीक है, खाली जगह दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अमेरिका का जो वर्चस्व था वो किस तरह था, तो इसमें से एक ध्रुवी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी पोलर, किस तरह, एक ध्रुवी था, ठीक है, वन पोलर। नेक्स्ट है, 1957 में यूरोपीय समुदाय की स्थापना की गई थी, कैसी समुदाय, यूरोपीय समुदाय, ठीक है, तो कौन सा था, आर्थिक था, सामाजिक था, तो सामाजिक, ठीक है, सामाजिक था, ओके। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन, इसे बोल सकते हैं अभी WHO शायद है, ठीक है, इसका शॉर्ट नेम, ठीक। तो इसका जो कार्यालय है वो कहाँ पे है, ठीक है, पहला ऑप्शन दे दिया तुम्हारा आपका दिया गया है हेग, दूसरा है जेनेवा, ठीक है, तो जेनेवा में इसका जो है कार्यालय स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, कितनी है, तो अभी एक क्वेश्चन एक और आया था, ठीक है, इसी से रिलेटेड, तो उसमें भी कितना था, 10, कितना था, 10 ठो, ठीक है, 10 ठो ऐसे हैं जो अस्थायी हैं और 5 ठो ऐसे हैं जो अस्थायी सदस्य हैं, ओके, अस्थायी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, 36, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें से दिया गया है कि प्रधानमंत्री ने भारत की नई आर्थिक नीति का निर्धारण 1951 ईस्वी में किया था, यानी कौन सा प्रधानमंत्री था जिन्होंने आर्थिक नीति का निर्धारण किया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है देखिए कौन सा है, नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव, यह है इसका आंसर, ठीक है। करम सिंह नरसिम्हा राय ने क्या किया था, भारत की, यानी कि जब भारत देखिए 1991 में, ठीक है, 1991 में भारत की आर्थिक जो स्थिति थी वो बहुत ही ख़राब थी, ठीक है, उसमें भारत की जो आय थी लगभग $110 थी, ठीक है, इसके करीब थी, और इसी से भारत को एक नया रास्ता दिया, ठीक है, नरसिम्हा राव ने, ठीक है। नेक्स्ट है, लिट्ठे एक का एक उग्रवादी संगठन है, ठीक है, लिट्ठे कहाँ का उग्रवादी संगठन है, ठीक है, तो इसका देखिए कहाँ का है, भारत का, श्रीलंका का, यह है श्रीलंका का, ठीक है, श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन है, ठीक है, श्रीलंका के दक्षिणी भाग में बसा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, सार्क अस्तित्व में आया, ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन आया था इसके पहले में, ठीक है, कि सार्क का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में, ठीक है, तो ये बना कब, तो 1985 में, ठीक है, कब, 8 दिसंबर 1985 में बना, ठीक है, उस समय अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, हरित क्रांति, हरती लिख दिया, हरित क्रांति का विशेष लाभ पहुँचा, तो हरित क्रांति का मतलब क्या होता है, हरित क्रांति से किसको अधिक से अधिक लाभ पहुँच सकता है, किसानों को ही ना, क्योंकि हरित क्रांति में तो किसानों को ही बताया गया था, ठीक है, यानी कि उसी का आगे जाने के लिए, ठीक है, तो इसका हो जाएगा कृषि, ठीक है। नेक्स्ट है, 1987 में राष्ट्रपति जयवर्धन ने भारत की शांति संधि पर हस्ताक्षर किया, ठीक है, 1987 में किसने किया था, तो श्रीलंका के जो थे राष्ट्रपति जयवर्धन, उन्होंने 1987 में भारत की शांति संधि पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है।
ये हो गया 40 क्वेश्चन आपका क्लियर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ठीक है, बट ये सब जो है वो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो यदि आपको मतलब कि आपको ये सब क्वेश्चन मतलब कि हम कर दें लगता है ऐसा कि ऐसे क्वेश्चन करें तो नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में इन सभी क्वेश्चन के ऊपर अगला वीडियो इसी सभी क्वेश्चन के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।